हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और मारून सोनी स्वागत करता हूं आपका। तो मेरे बच्चा पार्टी, जैसा कि हमारा थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक्स एक्सेप्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स चल रहा है, और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ट्रांस इफेक्ट की, और आज बच्चा हमारा लास्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ ट्रांस इफेक्ट। तो मेरे बच्चा पार्टी, पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पर पोलराइजेशन थ्योरी ऑफ ट्रांस इफेक्ट, और एक बच्चा होती है हमारी पाई बॉन्डिंग थ्योरी। तो मैं दोनों अलग अलग कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्यार से करेंगे, क्योंकि तो दोनों थ्योरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम मॉनिटर्ड क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चा पार्टी, इससे पहले हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक के अंदर कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा मेटलिक एंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो चुका है, और ये हमारा थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एक्सेप्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स जो चल रहा है, ये भी आज और कल में कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे बच्चा पार्टी, चारों चैप्टर्स की प्लेलिस्ट है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहां से भी आप जाके इन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते मेरे बच्चा पार्टी, जुड़ जाइए हमारे साथ। पोलराइजेशन थ्योरी ऑफ ट्रांसफर मेरे बच्चा पार्टी नोट कर लीजिए एक बार। लीजिए मेरे बच्चा पार्टी, हेडिंग लगा लीजिए पोलराइजेशन थ्योरी ऑफ ट्रांस इफेक्ट। अब बच्चा यहाँ पर बहुत छोटे छोटे और प्यारे प्यारे पॉइंट है जो हमें दिमाग में रखने। पहली बात तो जो हमारी पोलराइजेशन थ्योरी होती है ये ग्राउंड स्टेट में ही ऑपरेट हो जाती है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराते हैं, ये ग्राउंड स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट होती है। तो जो पहली बात आपको याद रखनी है कि हमारी पोलराइजेशन थ्योरी ग्राउंड स्टेट में ही ऑपरेट होगी। हमारी पोलराइजेशन थ्योरी ग्राउंड स्टेट में ही ऑपरेट होगी। चलिए बच्चा, अब इस थ्योरी की बात कर लेते हैं। इसके अंदर हमें लेना होता है एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखिए मेरे बच्चा, पहले बिल्कुल सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे पीटी, यहां पर मैंने टी ले लिया, यहां पर एल ले लिया। अब जो हमारा ट्रांस इफेक्ट यहां पर लगेगा मेरे बच्चा पार्टी, वो लगेगा इन मोड के अंदर। PT है और L है, मैं L की बजाय X ले लेता हूं ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, X से आप जल्दी समझ भी जाओगे। यानी कि यहां पर है क्या, ये तो PT और T, T मैंने ट्रांसफेक्ट के लिए एक लिगेंड है जो ट्रांसफेक्ट शो कर रहा है, इसके ऊपर करेगा वो X के ऊपर इफेक्ट शो करेगा। तो ये हमने क्या लिया, यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लिया, इसके अंदर हमने लिया PTA2TX, इसको भी आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, प्लेटिनम लिया है, चलो प्लेटिनम जाके मैं यहाँ पर, प्लेटिनम हमारी वो एक मेटल होती है। ठीक है, मेटल है हमारी प्लेटिनम। ठीक है, ये आप याद रखिए। ठीक है, अब अगर मैं इसको मेटल लेके चलता हूँ तो यहाँ पर बेसिकली बात तो हुआ, एक तो हमारे एम्प्टी बॉन्ड की मेरे बच्चा पार्टी है PT और T, प्लेटिनम बॉन्ड तो हमारा टी लिगेंड है इस बॉन्ड की, और दूसरी मेरे बच्चा पार्टी बात तो हुआ इस बॉन्ड की PT और X, यानी कि MX बॉन्ड की, मैं इन दो बॉन्ड की बात करके चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ट्रांसफेक्ट स्टडी करना है, लेकिन पोलराइजेशन थ्योरी के थ्रू। तो मैं बात करूंगा यहां पर एमटी बोर्ड की और एमएक्स बोर्ड की मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, अब मान के क्या चलना है कि यहां पर तो हमारा लिगेंड टी है, तो लिगेंड टी है इज मोर पोलराइज देन लिगेंड एक्स, क्योंकि हमें एक्स यहां से बाहर तो निकालना है ना, अब यही चीज हमें समझनी है। यहां पर जो हमारा टी लिगेंड है वो ज्यादा पोलराइजेशन शो करता है एज कंपेयर टू लिगेंड एक्स। यहां पर जो हमारा टी है लिगेंड है वो ज्यादा पोलराइजेशन शो करेगा मेरे बच्चा पार्टी एज कंपेयर टू आवर एक्स लिगेंड। मेरे बच्चा पार्टी इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए, लिगेंड टी की जो पोलराइजेशन पावर होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्स। तो मेरे बच्चा पार्टी, हमें क्या पता लगा, जो हमारा लिगेंड टी है वो ज्यादा पोलराइजेशन शो करेगा देन लिगेंड एक्स से। अब देखिए मैं यहां पे लेके चलता हूं, ये हमारी मेटल है, ये हमारा लिगेंड टी है और ये हमारा लिगेंड एक्स है मेरे बच्चा पार्टी। अब ध्यान से चीजें सुनना, यहां पर प्राइमरी चेंज क्या होगा,
प्राइमरी चावल जो मेटल है हमारी डाइपोल इंड्यूस करेगी, मेटल डाइपोल इंड्यूस करेगी ओटी। अगर मेटल हमारी पॉजिटिव चार्ज है तो हमारे लिगेंड टी के ऊपर डाइपोल इंड्यूस होगा। अगर बच्चा पार्टी यहां पर मैं पॉजिटिव लेके चलता हूं, यहां पर मैं नेगेटिव लेके चलता हूं, तो हमारा इस तरीके का डाइपोल इंड्यूस होगा। एक्स पर हमारा डाइपोल पहले से ही एक्स इंड्यूस माइनस है। जो हमारा देखिए हमारा मेटल था, मेटल के एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज है, एक एंड पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस मेटल ने क्या किया, इस टी के ऊपर डाइपोल इंड्यूस किया, ठीक है। मेटल ने टी के ऊपर डाइपोल इंड्यूस किया, तो मेटल यहां पर पॉजिटिव था तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा ताकि बोन स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। अब क्या होगा, यहां पर जो एम्प्टी बोन है वो ट्रांस है एमएक्स बोन को। अब आपको ये भी दिख रहा होगा कि हमारा एम पर नेगेटिव चार्ज है और एक्स पर भी नेगेटिव चार्ज है। यहां पर जो एम्प्टी बोन है वो तो है स्टोन, ठीक है, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन होगा। लेकिन जो अगर मैं बात करूंगा यहां पे एमएक्स बोन की, तो ये हमारा वीकली हैंग होगा क्योंकि यहां पे रिपल्शन ज्यादा होगी। वीकली हैंग यहां पे आप देखिए ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। यहां पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और मैं बात करूंगा इस MX बॉन्ड की, तो दिख रहा आपको यहां पर नेगेटिव डाइपोल और ये पहले ही नेगेटिव चार्ज है, तो MX बॉन्ड हमारा वीकली हैंग होगा क्योंकि यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्सन है। ये भी आप नोट कर लीजिए, फोर्स ऑफ रिपल्सन यहां पे होगा। अब ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है तो ये तो X लिगेंड है, यहां पे हमारा X लिगेंड है, इट ब्रेक इजली, एक्स लिगेंड ब्रेक इजली। अब रिपल्सन इतनी ज्यादा होगी तो हमारा क्या होगा मेरा बच्चा पार्टी, एक्स लिगेंड हमारा आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। और ये सारा का सारा किसके कारण है, इट्स ऑल ड्यू टू ट्रांस इफेक्ट, इट्स ऑल ड्यू टू ट्रांस इफेक्ट। ये सारा का सारा किसके कारण है मेरा बच्चा पार्टी, ट्रांस इफेक्ट के कारण सारा का सारा खेल यहां पर हो रहा है। तो मेरे बच्चा पार्टी भाई सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब दो पॉइंट और लिख लीजिए इसके अंदर। एक तो मेरे बच्चा पार्टी जो भी मॉलिक्यूल पाइवोट बनाएगा उसकी कंसिडरिंग मिलेगी, पाइवोट नॉट कंसिडरिंग पोलराइजेशन थ्योरी, पाइवोट नॉट कंसिडर, ठीक है। और लास्ट में मेरे बच्चा पार्टी कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको भी कंसीडर नहीं करती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नॉट कंसीडर, उनके अंदर जैसे भी थ्योरी लगेगी वो अलग होगी लेकिन यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नॉट कंसीडर, ठीक है। अच्छा पार्टी आप नोट कर दीजिए, हमारी थ्योरी इतनी ही थी। अब मैं पीछे द्वारा आपको डिटेल बताता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट। तो मेरे बच्चा पार्टी अब इस थ्योरी को एक बार ध्यान से दोबारा सुन लीजिए, हमें सिर्फ इतना ही इसके बारे में लिखना है, मैंने जो बुक के अंदर लिखा हुआ है उसको मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट यहां पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। अब आप देखिए पोलराइजेशन थ्योरी होती क्या है, पहली बात तो ग्राउंड स्टेट के अंदर लगेगी पोलराइजेशन थ्योरी, हमारी ग्राउंड स्टेट के अंदर लगेगी। उसके बाद ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑपरेट होगी। अगर यहां पर आपको फ्रीजी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहां पर एम भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप कंफ्यूज हो एम ले लीजिए। अब यहां पर हमें दो बोन की कहानी पढ़नी है, एक तो एम्प्टी बोन और एक एमएच बोन। सारी की सारी कहानी से पॉजिटिव इसी सर्कल जो हमने आउटर लाइन यहां पर ड्रा की है इसके अंदर की ये कहानी है, एम्प्टी बोन की और एमएच बोन की, ठीक है मैडम साहब आपकी। अब यहां पर याद क्या करना है, सारा का सारा के इस पॉइंट का है, जो हमारा लिगेंड टी होगा वो मोर पोलराइज होगा देन द लिगेंड एक्स। मेरे बच्चा पार्टी इसको दिमाग में रखो, तो यहां पर लिगेंड टी है वो ज्यादा पोलराइज होगा देन द लिगेंड एक्स, ठीक है। अब आ जाइए यहां पे मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, ये बार ड्रॉ करके, ठीक है। देखिए है क्या, हमारे पास एक मेटल है, मेटल के साथ कोई लिगेंड एक्स लगा हुआ है और यहां पे कोई लिगेंड टी लगा हुआ है, ठीक है। अब पहला पॉइंट ध्यान से सुनिए, प्राइमरी चेन क्या है, मेटल डाइपोल इंड्यूस करेगी टी के ऊपर, हमारा प्राइमरी चेन है। तो मेटल ने क्या किया,
मेटल ने अपने इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अगर मेटल के इस एंड पे पॉजिटिव आएगा तो इस एंड पे अपने आप कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, इसके ऊपर डाइपोल इंड्यूस किया, यहाँ पे नेगेटिव डाइपोल हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, तो प्राइमरी चार्ज क्या हुआ, एम डाइपोल इंड्यूस करेगा टी के ऊपर। मेटल ने डाइपोल इंड्यूस किया टी के ऊपर। एक्स हमारा पहले ही नेगेटिव डाइपोल लेके बैठा है, नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, अब सुनो आगे, ये वाला पॉइंट हमारा हो चुका है। एम्प्टी बोन ट्रांस है एमएक्स बोन की, ये भी हम देख चुके हैं, एम्प्टी बोन ट्रांस है एमएक्स बोन के ऊपर। अब देखो इस एम्प्टी बोन ने इफेक्ट शो किया एमएक्स बोन के ऊपर, तब ये ट्रांस इफेक्ट है हमारा। ठीक है, यहां पर इस आर लिक्विड टॉक्सिन में लास्ट में लिख भी रखा है। ठीक है, एम्प्टी बोन हमारा ट्रांस है एमएक्स बोन के ऊपर। अब ध्यान से देखना, अब खुद ही बताइए मेरे बच्चा पार्टी, नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो एम्प्टी बोन हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या वीक होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। एमएक्स बोन हमारा वीकली हेल्ड है क्योंकि यहां पे नेगेटिव नेगेटिव है, जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो भी सिस्टम एक दूसरे को रिपेल करता है तो हमेशा वीक ही रहेगा क्योंकि यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। अब ये सारा हो क्यों रहा है, और यहां से जैसे रिपल्सन होगी तो हमारा एक्स बोन है, एक्स लिगेंड है, वो आसानी से बाहर चला जाएगा, और कोई इनकमिंग लिगेंड जो वाई यहां पर आ रहा है वो आसानी से एंटर कर जाएगा। लेकिन अब बात क्या है, इस आर बिल्कुल ट्रांस इफेक्ट, अब जो सारी की सारी कहानी हुई है ट्रांस इफेक्ट के कारण। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए, सॉरी बच्चों, एम्प्टी बोन शो, एम्प्टी बोन शो ट्रांस इफेक्ट हो, एम्प्टी बोन शो ट्रांस इफेक्ट हो एमएक्स बोन, यहां पर एम्प्टी जो बोन है वो ट्रांस इफेक्ट शो कर रहा है एमएक्स बोन के ऊपर मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, और जो ये हमारी थ्योरी है पोलराइजेशन थ्योरी, क्योंकि यहां पे पोल के लिए हुई ना डाइपोल को, डाइपोल पोलराइजेशन होता है कि पोलराइजेशन क्या होगा, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मैं सामने वाले को भी पॉजिटिव चार्ज देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे पाई बोन, जो भी हमारा लिगेंड पाई बोन बनाएगा ना उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, जो भी लिगेंड पाई बोन बनाएगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो तो हमारे एक्सटीमेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं या फिर को हमारे ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हमारी मीडियम स्टेट आते हैं, इंटरमीडिएट जिन्हें आप बोलते हो, इसके लिए सबसे पहले बता रहा हूं कि इंटरमीडिएट लिख लेना दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स को भी स्टडी नहीं करती क्योंकि थ्योरी बेसिकली एंड प्योरली बेस्ड है सारी की सारी ग्राउंड स्टेट में। तो ये थी मेरे बच्चा पार्टी पोलराइजेशन थ्योरी ऑफ ट्रांसफेक्ट। ये बच्चा सिर्फ इतना ही हमें इसके अंदर लिखना होता है, मैंने सारे आपको पॉइंट बना के लिखवा दिए हैं यहाँ पे। अब मेरे बच्चा पार्टी एक थ्योरी और बचती है पाइबोनिक थ्योरी, उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, और इसके बाद हमारे दो चैप्टर और बचेंगे इनऑर्गेनिक के अंदर, वो छोटे छोटे हैं, बहुत जल्दी वो कवर हो जाएंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी तब तक के लिए गुड बाय, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छे से इसको कर लीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट, खास और हमें समझ में आ गया वो मेरे बच्चा पार्टी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जो आपके जूनियर हैं फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर वाले उनका भी सिलेबस पहले चल रहा है आपके साथ, उनको भी आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू बच्चा पार्टी फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्क्रीनशॉट आपको नहीं लिया है तो फिर ले लीजिए मेरे बच्चा पार्टी।